हेलो बच्चों, हेलो, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। आई एम योर वेरी ओन समाप्ति सिन्हा महापात्रा एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्चुअली फिनिश द एनिमल किंगडम टॉपिक टुडे। Yesterday we have completed till I think some part of Chordata और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आज हम complete कर देंगे इस chapter को completely, ठीक है, complete कर लेंगे इस chapter को completely। I hope this makes sense, ठीक है। तो without further ado, जैसे कि हम time waste नहीं करते हैं तो हमें time waste नहीं करना है और आज हमें पढ़ना है, ये दिख रहा है तुम्हें सुंदर सुंदर छवि रेप्टाइल्स की, बर्ड्स की, दो ही पिक्चर लगा पाई हूँ और फिर तुम्हारी समाप्ति मैम की फोटो लगी है, ठीक है। तो हम पढ़ने वाले हैं बेटा टेट्रापोडा के बारे में। इसके लिए हमें बहुत क्विकली जल्दी से रिवाइज करो मेरे साथ में कि हमने पिछले क्लास में क्या किया था, ठीक है। तो मेरे साथ में रिवाइज करना है, हमने कॉर्डेटा स्टार्ट किया। फाइलम कॉर्डेटा को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक पार्ट था एक क्रेनिएटा, एक ग्रुप था एक क्रेनिएटा और प्रोटोकॉर्डेटा प्रिमिटिव कॉर्डेट्स, और एक कैटेगरी थी क्रेनिएटा और यू कॉर्डेटा, ठीक। एक क्रेनिएटा को हमने दो सब फाइलम्स में डिवाइड किया था, सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा एंड सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा। नोटोकॉर्डा इज प्रेजेंट ओनली इन द टेल ऑफ लार्वा यूरोकॉर्डेट्स, नोटोकॉर्डा इज प्रेजेंट थ्रू आउट देयर लाइफ सेफेलोकॉर्डेट्स। दीज वर द टू सब फाइलम्स अंडर ए क्रेनिएटा। देन वी टॉक्ड अबाउट क्रेनिएटा जिसके पास होता है ब्रेन बॉक्स। क्रेनिएटा को हम फर्दर एक ही सब फाइलम में डिवाइड करते हैं, दैट सब फाइलम इज सब फाइलम वर्टिब्रेटा। हम होते हैं सब फाइलम वर्टिब्रेटा। नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम एंड दिस सब फाइलम वर्टिब्रेटा इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू डिविजंस। डिवीजन ए गनाथा और ए गनाथोस्टोम एंड डिवीजन गनाथोस्टोम्स। ए गनाथा वर जॉलेस वर्टिब्रेट्स, माउथ इज नॉट बाउंडेड बाय जॉज, इज ए सेक्टोरियल माउथ होता है, ठीक है, जिसमें कि हमने एक ही लिविंग क्लास पढ़ी थी, क्लास साइक्लोस्टोम्स। और मेरे प्यारे बच्चों हमने उसमें दो एग्जांपल्स देखे थे, पेट्रोमाइजन एंड मिक्सिन, ठीक है। लेकिन जब हम गनाथोस्टोमेटा की बात करते हैं जिनके पास होते हैं जॉज, ठीक, जॉज जिसके पास होते हैं गनाथोस्टोम्स, उनको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। मैं बार बार अपनी शक्ल देख रही हूं, मैं आई एम वेरी, ठीक है, गेटिंग कॉन्शियस, ठीक है, एनी वे, एंड आई एम ऑल्सो कॉन्शियस द नंबर ऑफ टाइम्स आई विल से बेटा, बट एज यू लाइक दिस बेटा सो आई विल कीप ऑन यूजिंग दिस बेटा, ठीक है, फॉर ऑल ऑफ यू। सो बेटा हमने इसको फर्दर गनाथोस्टोम्स को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। गनाथोस्टोमेटा में सुपर क्लास होती है, जबकि एक गनाथा में डायरेक्टली क्लास थी। यहाँ पे दो सुपर क्लासेस थी, मछलियां एक सुपर क्लास पाइसेस, एक सुपर क्लास टेट्रापोडा, जिसके बारे में आज हमें चर्चा करनी है, ठीक है। चाय पे चर्चा, टेक योर टी एंड लेट अस डू दी चर्चा ऑन टेट्रापोडा, ठीक। पाइसेस में हमने दो मछलियों के बारे में पढ़ा था, दो कैटेगरीज के बारे में पढ़ा था, एक थी साइक्लोस्ट कॉन्ड्रिक्थिस और एक थी ऑस्टिक्थिस। एक के पास कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन था, एक के पास बोनी एंडोस्केलेटन था, जो हम कंप्लीट कर चुके थे, ठीक। डिफरेंसेस आई होप तुम पढ़ के आए हो एनसीईआरटी में से आज, क्योंकि हमें समाप्ति करनी है इस चैप्टर की। तो हम शुरू करेंगे टेट्रापोडा से, ठीक। अब टेट्रापोडा को भाई टेट्रापोडा बोला क्यों? टेट्रापोडा को टेट्रापोडा इसीलिए बोला क्योंकि टेट्रापोडा में मींस फोर, पोडा मींस अपेंडेजेस बोल सकते हैं, जैसे आर्थ्रोपोडा बोलते हैं ना लेग्स, है ना, वैसे बेटा टेट्रापोडा जो लेग्स की हम बात करें, चार लेग्स की जो हम बात कर रहे हैं, पोडा मींस लेग्स, है ना, अपेंडेजेस लिख दिया मींस लेग्स चार। अब देखो ये टेट्रापोडा के जो लेग्स हैं, चाहे तुम फ्रॉग्स की बात करो विच इज एम्फीबियंस, चाहे तुम लिजर्ड की बात करो वो होते हैं आपके रेप्टाइल्स, या आप बर्ड्स की बात करो जो कि होते हैं एप्स, या फिर आप हमारी बात करो जो कि हैं हम इंसान ह्यूमंस, इनके पास बेटा ये जो लिम्स हैं ये बहुत ही स्ट्रांग और मॉडिफाई हो सकती हैं। किसी किसी में मॉडिफाइड हो जाती है उड़ने के लिए, पंछी उड़ते हैं ना, वो उड़ते कौन है, एव्स। किसी किसी में हमारे जैसे होल्डिंग के लिए काम आती है, किसी किसी में रनिंग के काम आती है। स्पेशली हम बोलते हैं ना लिम्स आर मॉडिफाइड इन मैमल्स फॉर डिफरेंट डिफरेंट पर्पजेस, ठीक है। तो लिम्स होगी, इसीलिए हमने चार मतलब टेट्रापोडा बोल दिया। अब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, जैसे हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में बोला था ना कि सबसे पहला जो क्लास था वो सबसे इंपॉर्टेंट था, आज के डेट में तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि वो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास क्यों था, क्योंकि उसी के बेटा कैरेक्टर्स हमने यूज किए थे। मेरी आंख में कुछ चला गया, तो उसी के कैरेक्टर्स बेटा हमने यूज किए थे बाकी सारे फाइलम्स में, है ना।
यहाँ पे मैं टेबल एक बनाऊंगी बेटा, उसमें अधिकतर कैरेक्टर्स कवर हो जाएंगे, एम्फीबियंस के, एव्स के, मैमल्स के और रेप्टाइल्स के, ठीक है, सारे ज्यादातर कैरेक्टर्स 70% कैरेक्टर्स उसी में कवर हो जाएंगे। फिर मैंने क्या किया है बेटा, जो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आई एम वेरी श्योर, मैंने एनसीईआरटी के ही पैराग्राफ्स उठा लिए हैं, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स। पहले तो हम एक टेबल बनाएंगे खुद से और उसमें सारे कैरेक्टर्स करेंगे, जिसको बोलते हैं कंपेरेटिव सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। कंपेयर करके हम सिमिलैरिटीज देखेंगे और डिफरेंसेस देखेंगे बिटवीन डिफरेंट क्लासेस ऑफ टेट्रापोडा। टेट्रापोडा इज नॉट अ क्लास ना, टेट्रापोडा इज अ सुपर क्लास। तो वी आर गोइंग टू डू फर्स्ट टेबल विच विल बी रिगार्डिंग comparative similarities and differences between different classes of tetrapoda. Then, if any character is left, if anything is left, that we are going to see differently. Jo bhi NCERT mein given hai, sirf hame wo dekhna hai along with the example. So, without further ado, let's get started with the table, ठीक है? हमें सबसे पहले बेटा table से start करते हैं. मैंने इसलिए fresh page ले लिया, ठीक है? इसमें कितने columns बनेंगे? देखो, एक तो character लिखने के लिए, फिर amphibians के बारे में लिखने के लिए, फिर रेप्टाइल्स के बारे में लिखने के लिए, फिर एव्स और मैमल्स के बारे में लिखने के लिए, ठीक है? थोड़ा थोड़ा हमने सबके बारे में लिखने के लिए ये कॉलम्स बना लिया है, तो इस तरीके से, ठीक। तो सबसे पहले इनकी सबकी हेडिंग लिखते हैं कि सब में हमें हेडिंग क्या है। यहाँ हमें लिखना है देखो कैरेक्टर। इतना मजा आएगा ना ये पढ़ के, तुम्हें लगेगा अरे ये तो हमें पता ही नहीं था कि इस तरीके से हम अधिकतर कैरेक्टर्स कर सकते हैं। ये कैरेक्टर हो गया, ये किसके बारे में लिखेंगे, यहाँ यहाँ लिखेंगे एम्फीबियंस के बारे में, ठीक, यहाँ लिखेंगे एम्फीबियंस के बारे में, यहाँ किसके बारे में लिखेंगे, रेप्टाइल्स के बारे में, यहाँ किसके बारे में लिखेंगे, रेप्टाइल्स के बारे में, यहाँ किसके बारे में लिखेंगे, पंछियों के बारे में, और यहाँ किसके बारे में लिखेंगे, ह्यूमन के बारे में, ह्यूमंस के बारे में, ठीक, मैमल्स के बारे में। और मेरे प्यारे बच्चों, कुछ लोग बोलेंगे मैम हेडिंग क्या लिखनी है, इसकी हेडिंग मैं यहाँ लिख देती हूँ। इस टेबल की हेडिंग जानी है comparative similarities, comparative similarities, यार अंग्रेजी खराब होती जा रही है, similarities and differences, comparative similarities and differences between different, between different classes, different classes of tetrapoda। ये heading जानी है, क्योंकि कुछ मेरे मासूम बच्चे table में पूछेंगे अरे मैम heading क्या थी, तो ये heading आपने लिखनी है। और आप अपने page को ना horizontally convert कर लेना और उसमें वैसे करके लिखना start करना, ठीक है? चलो let's get started। character को हम, सबसे पहला character जो हमें लिखना है, number one, that character is exoskeleton। कौन सा character है? exoskeleton। और एग्जोस्केलेटन में हम लिखेंगे सबसे पहले किसके बारे में, हम लिखेंगे एम्फीबियंस के बारे में। अब देखो क्या एग्जोस्केलेटन का मतलब क्या होता है, एग्जो मतलब बाहर, बाहर का स्केलेटन सिस्टम। देखो सबसे आसान है अपने बारे में समझना, ये जो हमारे ये है, ये क्या है, ये केश जो है, ये हमारे आंवला खाने से बहुत अच्छे हो जाते हैं, है ना, बोलते हैं ऐसा। तो This is your hair, hair हमारे nails हो गए, है ना, this is our exoskeleton, hair या nails, ये हमारे बाहर के ऊपर covering जो है skin, this is our exoskeleton। लेकिन अब वहां से शुरुआत कर रही हूँ, अब birds देखो, पंछियों को देखो, पंछियों के ऊपर क्या दिखता है, बहुत सुंदर सुंदर feathers दिखते हैं, तो उनके पास भी exoskeleton होता है, which is their beautiful, colorful feathers, ठीक। अगर आप reptiles की बात करो, सांप तो देखा होगा, सांप है ना, और ये भी पता होगा कि सांप अपनी स्किन शेड ऑफ करता है ना, वो उनकी एपिडर्मल स्केल्स होती हैं, स्क्यूट्स बोलते हैं जिन्हें, तो उनके पास भी होता है एग्जोस्केलेटन, लेकिन वो होता है बहुत ही ड्राई और कॉर्निफाइड, बहुत ही ड्राई और कॉर्निफाइड, जिसको स्क्यूट्स बोलते हैं, जिसको वो कभी कभी शेड ऑफ भी कर देता है। एनसीईआरटी की लाइन जब पढ़ोगे ना, तो वहां पे लिखा हुआ है, मैं वो लाइन भी लाइन बाय लाइन रीड करेंगे एनसीईआरटी की, ठीक है? तो यहाँ पे भी इसके पास भी एग्जोस्केलेटन है, लेकिन तीनों के पास था लेकिन अलग अलग। अब देखो एम्फीबियंस की बात करो, और एम्फीबियंस के बारे में सबसे पहले सोचते हो तो सबसे पहले आती है मेंढक दिमाग में, है ना, मेंढक आता है दिमाग में, किसी ने पैर दिया मेंढक के ऊपर, चप चप करके आवाज आती है, पिचिक करके आवाज आती है ना,
फ्लैट हो जाता है एकदम, फिर मेंढक वापस से जंप करने हॉप करने लगता है। लेकिन मेंढक की अगर स्किन देखोगे बड़ी ही स्मूथ होती है, स्लाइमी होती है, दे डोंट हैव एनी स्केल्स ऑन देयर बॉडी, यूजुअली नहीं होती है, अगर किसी के पास होती है तो स्किन के नीचे होती है। लेकिन ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, एक्सेप्शन आप सिर्फ लिखोगे कि इनकी अगर हम एक्सोस्केलेटन की बात करें तो इनके पास कोई एक्सोस्केलेटन नहीं है। अगर रेप्टाइल्स की बात करें तो एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, और वो एक्सोस्केलेटन क्या होता है, वो एक्सोस्केलेटन होता है ड्राई हार्ड कॉर्निफाइड, ड्राई हार्ड कॉर्निफाइड स्केल्स और स्क्यूट। सी एनसीईआरटी में गिवन है, वो वाली लाइन भी हम रीड करेंगे, ठीक, स्केल्स और स्क्यूट्स। अगर हम एप्स की बात करें तो इनके ऊपर भी प्रेजेंट होता है एक्सोस्केलेटन, इनके पास भी प्रेजेंट होता है एक्सोस्केलेटन, और होता क्या है, फेदर्स। इनफैक्ट इसके पास क्लॉज भी होते हैं बेटा, है ना, इनके हाइंड लेग्स में फोर लिम्स तो मॉडिफाई हो जाते हैं उड़ने के लिए, हाइंड लेग्स में क्या होते हैं, क्लॉज, ठीक। अगर हम मैमल्स की बात करेंगे तो हमारे पास भी है, हेयर हो गए, नेल्स हो गए, है ना, ये हमारा एक्सोस्केलेटन है। तो पहली बात तो ये लिखना चाहिए था प्रेजेंट है ना, ये लिख लेते प्रेजेंट है, मैं ये प्रेजेंट लिखना भूल गई, अरे भाई साहब इरेजर बहुत बड़ा है ना, हेयर नेल और प्रेजेंट लिख दोगे, यानी कि बेटा कंपेयर करो, मैमल्स में प्रेजेंट, एप्स में प्रेजेंट, रेप्टाइल्स में प्रेजेंट, इनमें क्रॉस, क्रॉस का मतलब ही एब्सेंट, ठीक। अब चलो दूसरा कैरेक्टर देखते हैं, दूसरा कैरेक्टर क्या होगा, अबाउट देयर स्कल। एक्सोस्केलेटन के बाद बात करेंगे इनके स्कल की। तुम्हें याद है लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें फिश के बारे में बताया था, और फिर मैंने बताया था अपने से कंपेयर करो, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में पढ़ते हो कि हमारे स्कल के पास होते हैं दो ऑसिपिटल कॉन्डाइल, हमारे पास क्या होते हैं, दो ऑसिपिटल कॉन्डाइल, जिसकी वजह से हमारा जो स्कल होता है वो होता है, यार एक डिवीजन बना देती हूँ प्रॉपर ना तो बहुत आसान लगेगा, तो हमारे पास जो स्कल होता है वो होता है डाइकोंडाइलिक। और बाकी कैसे याद रखोगे बेटा, ऐसे याद रखोगे कि पहले लास्ट वाला भी डाइकोंडाइलिक और एम्फीबियंस वाला भी डाइकोंडाइलिक, एम्फीबियंस वाला भी डाइकोंडाइलिक, लेकिन ये जो बीच के दोनों हैं इनके पास जो स्कल होता है, इनके पास जो स्कल होता है ये इनके पास होता है सिंगल ऑसिपिटल कॉन्डाइल, इसीलिए इन दोनों के लिए कॉमनली लिख लोगे मोनो कॉन्डाइलिक, इनके लिए कॉमन लिख लोगे मोनो कॉन्डाइलिक, ठीक। स्कल का बात, स्कल की बात हो गई कंप्लीट, ठीक। अब थर्ड कैरेक्टर देखते हैं, थर्ड कैरेक्टर भी मैंने लास्ट क्लास में पाइसिस में बताया था, दैट वाज कि ये एमनियोट्स होते हैं, कि एन एमनियोट्स होते हैं, क्या इनके पास एमनियन होता है या एमनियन नहीं होता। तो मैंने आपको बताया था पाइसिस वाज एन एमनियोट, कोई एमनियोटिक फ्लूइड नहीं है, जैसे कि आपका एम्फीबियन भी होता है एन एमनियोट, कोई एमनियोटिक लेयर नहीं है, कोई एमनियोटिक फ्लूइड नहीं है, लेकिन ऑल थ्री फ्रॉम रेप्टाइल्स एव्स मैमल्स दे ऑल आर एमनियोट्स, क्योंकि इनके पास एमनियोटिक लेयर होती है और एमनियोटिक फ्लूइड भी होता है। और इसी से रिलेटेड कैरेक्टर भी मैंने आपको, देखो लास्ट क्लास पढ़ना कितना जरूरी है, क्योंकि अगर लास्ट क्लास याद होती ना तो तुम्हें स्कल के बारे में भी याद होता, एक्सोस्केलेटन तो देख के बता सकते हो, रटने की थोड़ी जरूरत है, देख के बता सकते हो किसके पास क्या एक्सोस्केलेटन है। एमनियन के बारे में लास्ट क्लास में बताया था, है ना, क्या होती है, और एमनियन से रिलेटेड मैंने आपको कैरेक्टर बताया था कि इससे याद रख सकते हो क्रेनियल नर्व्स, इससे क्या याद रख सकते हो, क्रेनियल नर्व्स, जो भी ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स को क्रेनियल नर्व्स बोला, जो भी एमनियोट्स होती हैं उनके पास होते हैं 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, जो भी एमनियोट होती है उनके पास होती है 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, और जो भी एनएमनियोट होते हैं उनके पास होती है 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, उनके पास क्या होती है 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स। तो ये कितने कैरेक्टर हुए, चार कैरेक्टर, और रिड मैंने यार तभी यार मैथ्स में गड़बड़ी करती हूँ मैं, चौथा पॉइंट था, चलो फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, फिफ्थ पॉइंट क्या देखेंगे,
देखो डाइजेशन की तो कोई स्पेशल ऐसी बात नहीं है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम छोड़ दो, रेस्पिरेटरी के सिस्टम की बात करो, जो कि बहुत सारी जगह पे मेंशन भी है कि रेस्पिरेशन कैसा, रेस्पिरेशन के लिए क्या। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करोगे तो एम्फीबियंस भाई किससे सांस लेते हैं, स्किन से भी कर सकते हैं। जब एम्फीबियंस ना हाइबरनेशन में जाते हैं, जैसे कि हम विंटर स्लीप बोलते हैं, या एस्टिवेशन के लिए जाते हैं जिसे हम समर स्लीप बोलते हैं, और आप कौन सा स्लीप करते हो भाई, हम कौन सा स्लीप करते हैं, 24 आवर स्लीप? नो नो, आई एम वेरी श्योर मेरे बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं, 24 आवर स्लीप कौन करता है भाई, है ना। मेरे बच्चे तो 25 घंटे पढ़ते हैं, ऐसे बोलते थे ना मेरे फादर, बोलते थे ऐसे 24 में 25 घंटा पढ़ते हैं, देखो उनको तुम क्या कर रहे हो, है ना। तो anyway, तो जब हाइबरनेशन और एक्टिवेशन में जाते हैं बेटा, तब वो स्किन से ब्रीथ करते हैं, तब वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन शो करते हैं एम्फीबियंस। मल्टीपल रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है, स्किन से भी कर सकते हैं, बकोफायरिंग से भी कर सकते हैं, लंग्स से भी कर सकते हैं, और जिनका लार्वा होता है टैडपोल लार्वा, वो किससे रेस्पायर करता है, गिल से। तो स्किन से कर सकते हैं, गिल से कर सकते हैं, बकोफायरिंग से कर सकते हैं, बकोफायरिंग से कर सकते हैं, और किससे कर सकते हैं बेटा, लंग्स से कर सकते हैं। मल्टीपल रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स, मल्टीपल रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स। बट व्हेन यू टॉक अबाउट रेप्टाइल्स, एप्स एंड मैमल्स, दे ऑल हैव लंग्स, सबके पास क्या है, लंग्स। लेकिन देखो यहीं पे अब तुम्हें एक पॉइंट बताती हूँ जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए कि सबसे एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सिस्टम किसका है, गलती से भी आंसर मत देना मैमल्स, मैमल्स का नहीं है सबसे एफिशिएंट। सबसे एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है इनका, बर्ड्स का। बर्ड्स का क्यों, बर्ड्स के पास होते हैं एयर सैक्स, इसके बारे में भी हमें डिस्कस करना है बेटा, जो मैं आपको अलग से बताऊंगी ना अभी अबाउट दी एव्स, जब सेपरेट एनसीईआरटी वाले पॉइंट देखेंगे, उसमें लिखी है बहुत सुंदर सी लाइन दैट एयर सैक सप्लीमेंट्स दी रेस्पिरेशन, एयर सैक सप्लीमेंट करता है रेस्पिरेशन में, वहां से कभी एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होता, ये पॉइंट हमें वहां लिखना है। अभी क्या याद रखोगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे याद रखोगे बेटा कि एयर सैक्स बिकॉज होती हैं आपके बर्ड्स में, उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है सबसे एफिशियंट। तो 5 पॉइंट्स हमने कवर किए, एक और ब्लैंक स्लाइड लेते हैं, फिर से बनाते हैं ऐसे 4 कॉलम्स, यहां लिखेंगे कैरेक्टर, यहां लिखेंगे एम्फीबियंस, यहां लिखेंगे रेप्टाइल्स, यहां लिखेंगे एव्स, यहां लिखेंगे मैमल्स, ठीक। तो नेक्स्ट कैरेक्टर जो है आफ्टर रेस्पिरेशन, नेक्स्ट कैरेक्टर इज सर्क्यूलेटरी सिस्टम या सर्क्यूलेशन। अगर सर्क्यूलेशन की बात करोगे तो किसके पास कितने चेंबर्ड हार्ट होता है, ये हमें देखना है, ठीक है। सर्क्यूलेशन की बात करेंगे तो यहां हम बात करें एम्फीबियंस की, एम्फीबियंस के पास होता है 3 चेंबर हार्ट, कितने चेंबर्ड हार्ट, 3 चेंबर्ड हार्ट। और सर्क्यूलेशन कैसा दिखता है, मिक्स्ड सर्क्यूलेशन, ये आपने सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ा होगा, क्योंकि इनके पास एक एट्रिया लेफ्ट साइड, एक एट्रिया राइट साइड, बट वेंट्रिकल तो एक ही होता है ना कॉमन, तो राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाती है कॉमन वेंट्रिकल में। तो बॉडी में कैसा सर्कुलेशन हो रहा है, मिक्स सर्कुलेशन, इसको इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन भी बोलते हैं, ठीक है, ये पढ़ा हुआ है कहीं ना कहीं आपने। रेप्टाइल्स की बात करें तो इनके पास होता है 3 चेंबर्ड हार्ट, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर्स जिनके पास होता है 4 चेंबर्ड हार्ट। तो 3 चेंबर्ड हार्ट होता है और इनका भी हो जाता है मिक्स सर्कुलेशन और इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, ठीक। अगर हम एव्स और मैमल्स की बात करें तो इनके पास आ जाती हैं 4 चेंबर्ड हार्ट और इनके पास ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट रहता है, तो सर्कुलेशन होता है डबल सर्कुलेशन। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर नीट एग्जामिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर नीट एग्जामिनेशन, डबल सर्कुलेशन, ठीक है। सो आफ्टर 6th कैरेक्टर लेट्स राइट द नेक्स्ट कैरेक्टर। सर्कुलेशन के बाद देखते हैं एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन का क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं एक्सक्रीशन के लिए इनके पास, ठीक। सबके पास किडनी है, वर्टिब्रेट्स में हमने पढ़ा था किडनीज होती हैं अलग अलग टाइप की, ठीक है। तो एम्फीबियंस के पास थोड़ी लेस डेवलप्ड वाली किडनी है, बाकी सबके पास थोड़ी ज्यादा डेवलप्ड वाली किडनी है। फिश के पास भी, कंपेयर करो फिश के साथ में, फिश के पास भी थी मीजोनेफ्रिक किडनी, इनके पास भी है
इनके पास भी है मीजोनेफ्रिक किडनी. इनके पास क्या है? मीजोनेफ्रिक किडनी. किनके पास? एम्फीबियंस के पास मीजोनेफ्रिक किडनी. देखो कितना बढ़िया लग रहा है, एक ही टेबल में कितने कैरेक्टर्स हो जाएंगे. बाकी सबके पास होंगे मेटानेफ्रिक किडनी. ठीक है, बाकी सबके पास होंगे मेटानेफ्रिक किडनी. अब देखो मेरे बच्चों, मैं एक ऐसा कैरेक्टर बता रही हूँ जिससे देख के घबराना मत. और तीन कैरेक्टर्स मैं साथ में लिख रही हूँ क्योंकि हमें करना है अबाउट. एक कैरेक्टर है रीनल पोर्टल सिस्टम, आठवां नवा हमें करना है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, और दसवां हमें करना है हाइपो फाइशियल पोर्टल सिस्टम. सिर्फ टिक मार्क या क्रॉस लगाना है किसके पास क्या है. देखो पहले तो मैं मतलब बताती हूँ, क्योंकि पहले तो बच्चे यही सोच रहे थे ये है क्या. बेटा जैसे कि हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, जो कि हमारे हार्ट को अलग अलग पार्ट से कनेक्ट करता है, हमारे पास स्पेशल पोर्टल सिस्टम्स भी होते हैं. अगर आपने ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ा है और सर्कुलेशन पढ़ा है तो वहीं पे आपने हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन पढ़ा ही होगा. नीट 2016 में हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन से क्वेश्चन भी आया था. ये एक कनेक्शन होता है कैपिलरीज वाला बिटवीन टू ऑर्गन्स. इट्स अ स्पेशल वीनस कनेक्शन बिटवीन टू ऑर्गन्स. आई एम प्रीटी श्योर ये पढ़ा होगा. वेन्स से दो ऑर्गन्स जब कनेक्टेड होते हैं तो पोर्टल सर्कुलेशन बनाते हैं. ठीक है, यहाँ पे तो हमें प्रेजेंट एब्सेंट ही लिखना है, लेकिन फिर भी मैं यही सोच के बताती हूँ आपको कि आपको नहीं पता होगा. वही सोच के मैं आपको बता देती हूँ कि अगर रीनल, रीनल का मतलब किडनी, अगर आप रीनल पोर्टल सिस्टम बोलते हैं इसका मतलब होता है किडनी से लोअर बॉडी पार्ट्स का कनेक्शन विद द हेल्प ऑफ स्पेशल वेन्स. किडनी से लोअर बॉडी पार्ट्स का कनेक्शन इज रीनल पोर्टल सिस्टम. लिवर से आपका इंटेस्टाइन का कनेक्शन, उसको डाइजेस्टिव ट्रैक का कनेक्शन, उसको हिपैटिक, हिपैटिक मींस लिवर. लिवर से आपके इंटेस्टाइन का कनेक्शन, उसको बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम. और हाइपोफाइसिस, डू यू नो व्हाट इज हाइपोफाइसिस? याद करो केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन, हॉर्मोन्स जहां पड़ा है. हाइपोफाइसिस इज द अनदर नेम ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड. एडीनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी. हाइपोफाइसिस का मतलब पिट्यूटरी, पिट्यूटरी, नॉट हाइपोथैलेमस. हाइपोफाइसिस इज नॉट हाइपोथैलेमस. हाइपोफाइसिस मींस पिट्यूटरी. उसका कनेक्शन अगर दिखता है आपका हाइपोथैलेमस के साथ में, कनेक्शन विद हाइपोथैलेमस, तो उसे हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम बोलते हैं. मतलब भी मैंने तुम्हें समझा दिया. यहां से प्रेजेंट एब्सेंट दिखना, और देखो हाउ इजी इट इज. फर्स्ट टाइम डूइंग हाइपोफाइशियल एंड हिपैटिक, सब में प्रेजेंट है. हिपैटिक और हाइपोफाइशियल सब में प्रेजेंट है. जिसमें किडनी पुअरली डेवलप्ड है थोड़ी, जो कि होता है आपका ये एम्फीबियंस, उसमें रीनल पोर्टल सिस्टम होगी. बाकी सब में आप लिख देंगे नहीं है. किसी में रिड्यूस्ड होगी, अपने में तो है ही नहीं, किसी में रिड्यूस्ड होगी, किसी में वेस्टिजियल होगी, तो आप टोटली लिख दो एब्सेंट कि रीनल पोर्टल सिस्टम सिर्फ आपको. इनफैक्ट फिश में भी दिखता है, मैंने वहां पे नहीं बताया होगा, आप लिख सकते हो कि फिश में भी रीनल पोर्टल सिस्टम दिखता है, एम्फीबियंस में भी रीनल पोर्टल सिस्टम दिखता है. ठीक, तो 10 कैरेक्टर कर लिए, और भी बाकी है बेटा. देखो इसी टेबल में कितना सब हो जाएगा कवर. ठीक है, कैरेक्टर, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स. ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं इनका बॉडी टेम्परेचर. 11th कैरेक्टर देखते हैं इनका बॉडी टेम्परेचर. वार्म ब्लडेड होते हैं कि कोल्ड ब्लडेड होते हैं? पोइकिलोथर्मस मींस कोल्ड ब्लडेड, होमियोथर्मल मींस वार्म ब्लडेड. तो आपके ये दो एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, दीज आर कोल्ड ब्लडेड, दे कैन नॉट मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, वेयर एज बर्ड्स एंड मैमल्स दीज आर वार्म ब्लडेड, मींस होमियोथर्मल. ठीक, होमियोथर्मल. और ये क्या हो गया मेरे बच्चों? पोइकिलोथर्मस. दूसरा नाम कतई मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक, चलो अब ये देखेंगे कि इनका यूजुअली फर्टिलाइजेशन कैसा होता है. यूजुअली फर्टिलाइजेशन कैसा होता है. 12th कैरेक्टर कि इनके में
फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फर्टिलाइजेशन यूजुअली पानी में दिखता है फॉर एम्फीबियंस मींस एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बाकी सब के लिए आपको दिखता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन. ठीक, नेक्स्ट कैरेक्टर हमें देखना है कौन अंडे देता है और कौन डायरेक्टली गिव्स बर्थ टू दी यंग वंस. इफ दे आर एगलिंग ओवीपैरस, इफ दे आर डायरेक्टली गिविंग बर्थ टू दी यंग वंस दे आर वीवीपैरस. सो वी नीड टू सी वेदर दे आर ओवीपैरस, whether they are oviparous or they are viviparous. ठीक, oviparous और viviparous. अगर हम अंडों की बात करेंगे ना, देखो ये एक कैरेक्टर ऐसा है जिसके बारे में मुझे तुम्हें बताना है. oviparous, यहां तक ये क्या हो जाएंगे, ज्यादातर viviparous, not all. एक एक्सेप्शन बताऊंगी जब मैमल्स पढ़ाऊंगी. directly gives birth to the young one, directly gives birth to the young ones, to the young ones. ठीक, इसका मतलब क्या, अंडे देने वाले एगलिंग. पर पता है क्या, इनके अंडों में डिफरेंस होता है. अगर तुम बात करोगे एम्फीबियंस के अंडे, इनके अंडे होते हैं बड़े ही सॉफ्ट. इनके ऊपर बेटा तुमने मुर्गी के अंडे तो खाए हैं, है ना, कैसा होता है, हार्ड स्केलेटन होता है, क्लीडोइक एग्स बोलते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पड़ते हैं. इनके अंडे भी ऊपर हार्ड शेल होता है, इनके बर्ड्स के अंडों के ऊपर भी हार्ड शेल होता है. लेकिन अगर तुम एम्फीबियंस के एग की बात करोगे तो उनके ऊपर बहुत ही सॉफ्ट कवरिंग होती है. कैसी कवरिंग होती है, सॉफ्ट कवरिंग होती है. ठीक है, फिर और भी कुछ कुछ कैरेक्टर्स हैं जो हम इंडिविजुअली देखेंगे, एम्फीबियंस के लिए, रेप्टाइल्स के लिए, एव्स के लिए, मैमल्स के लिए. और देखो इनके में यूजुअली कैसा स्टेज दिखता है, डेवलपमेंट कैसी दिखती है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. डेवलपमेंट कैसी दिखती है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. टैडपोल लार्वा दिखता है ना, टैडपोल लार्वा दिखता है ना, और ये टैडपोल लार्वा मछली जैसा दिखता है. एम्फीबियंस में टैडपोल लार्वा जो होता है मछली जैसा दिखता है, पानी में तैरता है और फिर बाद में डेवलप हो जाता है इनटू एडल्ट फ्रॉग. ठीक है, बाकी सब में यूजुअली आपको डायरेक्ट डेवलपमेंट दिखती है, नो लार्वल स्टेजेस. ठीक है, नो लार्वल स्टेजेस. देन बेटा ये गलती मत करना, ये एम्फीबियंस है, ये रेप्टाइल्स हैं, ये एव्स हैं, ये मैमल्स हैं. ठीक है, चलो देखते हैं कितने कैरेक्टर्स हमने, देखो कितने अच्छे से हमने सारे कैरेक्टर्स को कवर कर लिया टेट्रापोडा के. ठीक है, अब हम करते हैं एनसीईआरटी वाली रीडिंग. इसके अलावा अगर कोई कैरेक्टर बच गया तो एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं हम, है ना. तो एम्फीबियंस को एम्फीबियंस बोला क्यों, एम्फीबियंस को एम्फीबियंस बोला क्यों. देख रहे हो कितनी स्लाइमी स्किन है, मैं यही बात बोल रही थी. फ्रॉग के ऊपर पैर दबाओ पच करके आवाज आएगी, क्योंकि इनकी स्किन होती है बहुत ही मॉइस्ट, बहुत ही ग्लैंडुलर, पच 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 करती है. ठीक है, ड्राई नहीं होती ना. लिजर्ड को अगर किसी ने पकड़ने का वो किया है ना, गट्स दिखाया है और लिजर्ड को पकड़ के देखोगे तो उनकी स्किन बड़ी ही ड्राई होती है. एम्फीबियंस को एम्फीबियंस इसीलिए बोला क्योंकि इनके पास होती है ड्यूअल लाइफ, ड्यूअल लाइफ. ये पानी में भी रह सकते हैं और ये लैंड पे भी रह सकते हैं. पहले फर्स्ट ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स, फर्स्ट टू ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स होती हैं रेप्टाइल्स. पहले ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स, क्यों बोलते हैं उनको सच्चे लैंड वर्टिब्रेट्स, पहले लैंड वर्टिब्रेट्स, क्योंकि उन्होंने डेवलप कर ली थी बेटा इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड डेवलप कर ली थी एमनियॉन. ठीक है, एमनियॉन्स होते हैं ना, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एमनियॉन्स होते हैं और उन्होंने डेवलप कर ली थी आपकी एमनियॉन. ठीक, तो ये एमनियॉन्स थे इसीलिए ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स और इन्होंने, इनके पास था इंटरनल फर्टिलाइजेशन. बहुत बारी रिपीट हो गया. ठीक है, चलो वो तो रेप्टाइल्स की बात कर रहे थे. यहां अगर हम एम्फीबियंस के बाकी प्रॉपर्टीज देखें, चलो एनसीईआरटी वाली रीडिंग करते हैं. एज द नेम इंडिकेट्स, एम्फी मींस ड्यूअल, बायोस मींस लाइफ. यस, दे हैव ड्यूअल लाइफ. ओके, amphibians can live in aquatic as well as terrestrial habitats. Definitely tabhi dual life hai. Okay? Most of them have two pair of limbs. ज़्यादातर के पास two pair of limbs होते हैं. NCERT में एक डायग्राम दिया है यार, मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं किया. अगर आप वो डायग्राम देखोगे, वो डायग्राम दिया है इक्थायोफिस, सांप जैसा दिखता है, कुछ इस तरीके का डायग्राम बनाया हुआ है इक्थायोफिस का,
है ना. इक्थायोफिश इज अ लिम्बलेस एम्फीबियन. इक्थायोफिश के पास लिम्ब्स नहीं होती, लेकिन अगर यूजुअली आपको उसके बॉडी को डिवाइड करना है तो उनकी बॉडी को डिवाइड कर सकते हैं इनटू हेड एंड ट्रंक, नो नेक. फ्रॉग को इमेजिन करो और याद करो कि नेक नहीं होता, बॉडी इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक. ठीक. टेल मे बी ऑल्सो प्रेजेंट इन सम. किसी किसी के पास टेल भी होता है. एनसीईआरटी में डायग्राम गिवन है, हरे कलर का डायग्राम गिवन है सैलमेंडर का. सैलमेंडर इज अ टेल्ड एम्फीबियन. यही लिख लो, सैलमेंडर इज अ टेल्ड एम्फीबियन. इसके पास टेल होता है. इक्थायोफिश इज अ लिम्बलेस एम्फीबियन. ठीक, लिम्ब नहीं होता. अगर जिसके पास होगा तो आप देख सकते हो फ्रॉग्स के पास दो पेयर ऑफ लिम्ब्स है. ठीक है, टेट्रापोडर, दो पेयर मींस चार. एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट विदाउट एनी स्केल्स दैट वी हैव ऑलरेडी रिटन इन द टेबल. ऑलराइट. आईज हैव आईलिड्स. आईज के ऊपर क्या होती हैं? आईलिड्स होती हैं, जैसे हमारे पास है ना, आईलिड्स होंगी इनके पास. और टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स द ईयर. इनके पास ना ईयर पिना, किसी इमेजिन करो, किसी फ्रॉग के ऊपर ऐसा देखा है ईयर, एक्सटर्नल ईयर पिन्ना देखा है? किसी स्नेक के ऊपर देखा है ऐसा ईयर पिन्ना, या लिजर्ड के ऊपर देखा है? कितना वियर्ड लगेगा, सोचो अगर किसी के पास ऐसे कान देखोगे तुम. एक्सटर्नल ईयर पिन्ना इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल. ईयर पिन्ना इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल. ठीक है. और इनके पास ऐसा ईयर पिन्ना नहीं होता, इनका टिम्पैनम इटसेल्फ रिप्रेजेंट्स द ईयर. ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट. एलिमेंट्री केनाल, यूरिनरी केनाल एंड रिप्रोडक्टिव केनाल ओपन्स इनटू अ कॉमन चेंबर जिसे बोलते हैं क्लोएका. इनके पास क्लोएका होती है. क्लोएका में एलिमेंट्री केनाल की ओपनिंग, यूरिनरी केनाल की ओपनिंग, रिप्रोडक्टिव. ये क्लोएका टर्म पहले भी आपको मैंने एक बार बताया कि क्लोएका एक ऐसा चेंबर है जिसमें तीन चीजों की ओपनिंग दिखती है जो आपको फ्रॉग्स में या एम्फीबियंस में दिखता है. एलिमेंट्री केनाल भी उसी चेंबर में खुल रहा है, यूरिनरी केनाल भी उसमें खुल रहा है और रिप्रोडक्टिव केनाल भी उसी चेंबर में खुलता है. तो इनके पास क्लोएका है. That opens to the exterior. Cloaca की opening दिखती है आपको बाहर. इन ducts की individual opening नहीं दिखती है आपको बाहर. ठीक है, elementary canal अलग से open नहीं हो रहा है, reproductive canal अलग से open नहीं हो रहा है, सब open होते हैं cloaca में, जिसकी opening दिखती है on the exterior. रेस्पिरेशन के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है. रेस्पिरेशन बाय गेज, लंग्स, स्किन, इनफैक्ट बकोफेरिंग्स. हार्ट इज थ्री चेम्बर्ड, ये भी हम पढ़ चुके हैं. टू ऑरिकल्स एंड वन वेंट्रिकल. दीज आर कोल्ड ब्लडेड, ये भी हम पढ़ चुके हैं. पोइकिलोथर्मस. सेक्सेस सेपरेट होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं. फर्टिलाइजेशन भी हम देख चुके हैं, एक्सटर्नल होता है. अंडे देने वाले होते हैं और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, ये भी हम देख चुके हैं. इसलिए मैंने बोला था ना, एनसीईआरटी का टेबल अगर उठा के देखोगे बेटा तो ज्यादातर कैरेक्टर्स तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. एम आई राइट? एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एग्जाम्पल्स देखो, कंफ्यूज जाते हो कि टोड कौन सा है और फ्रॉग कौन सा है, वो गलती मत करना. बूफो इज द टोड. बूफो इज द टोड. राना टिग्रीना इज फ्रॉग. पहले हम पूरा फ्रॉग भी पढ़ाते थे, नीट में आता था जब, है ना. तो राना इज द फ्रॉग, बूफो इज द टोड. ये बहुत इंपॉर्टेंट. ट्री लिजर्ड, हाइला, हाइला. ठीक है, हाइला से गाना याद आ गया मेरे को. एनीवे, हाइला इज ट्री फ्रॉग. ठीक है, एक ट्री लिजर्ड भी पढ़ोगे. कैमिलियन, ठीक है. गार्डन लिजर्ड भी पढ़ना है. कैलोटीज, वॉल लिजर्ड भी पढ़ना है. हेमीडेक्टाइलस, ठीक है, वो लिजर्ड यानी रेप्टाइल्स है. यहां हाइला मतलब ट्री फ्रॉग, बूफो मतलब टोड, राना मतलब फ्रॉग, सैलमेंडर इज सैलमेंडर टेल्ड एम्फीबियन, इक्थायोफिश इज लिम्बलेस एम्फीबियन. अच्छा, लेट्स मूव टू द रेप्टिलिया. रेप्टिलिया को मैंने बोला, रेप्टाइल्स को रेप्टिलिया क्यों बोलते हैं पता है? क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग, बड़े क्रीपी लगते हैं स्नेक्स देखो तो. क्रीपी एंड क्रॉलिंग टाइप ऑफ एनिमल्स, क्रीपिंग क्रॉलिंग एनिमल्स की वजह से इन्हें रेप्टिलिया बोलते हैं. और ये क्या है? ये है फर्स्ट ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स. ये है फर्स्ट टू ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स. ये डायग्राम दिख रहा है, ये मैंने दिखाया है जो शेडिंग करते हैं, ये एग्डाइसिस करते हैं, मोल्टिंग करते हैं, अपनी स्किन को शेड ऑफ कर देते हैं. ये पॉइंट यहां पे लिखा हुआ होगा. देखो ये क्या है, द क्लास नेम रिफर्स टू क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन. क्रीपिंग क्रॉलिंग एनिमल्स की वजह से आप इसको रेप्टिलिया बोलते हैं. दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एंड देयर बॉडी इज कवर्ड विद ड्राई एंड कॉर्निफाइड
एपिडर्मल, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से सवाल बनता है डर्मल स्केल्स होती है कि एपिडर्मल स्केल्स होती है. सो दे हैव एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स, और इसको ये ऑफन शेड ऑफ करते हैं. पता नहीं ये पॉइंट यहां पे लिखा क्यों नहीं है. यस लिखा है, स्नेक्स एंड लिजर्ड शेड ऑफ देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट, अपने स्किन को शेड ऑफ कर देते हैं, जिस प्रोसेस को बोलते हैं एकडाइसिस या बोलते हैं मोल्टिंग. एकडाइसिस या बोलते हैं मोल्टिंग, ठीक है. दे डू नॉट हैव एनी एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग्स. देखो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि स्नेक्स के पास ईयर ओपनिंग होती ही नहीं है. ये जो आपको बेवकूफ बनाया जाता है ना, सपेरा बीन बजा रहा है और नागिन डांस कर रहा है ये स्नेक, वैसे नागिन डांस कुछ नहीं होता है, ये सपेरे के उसमें स्नेक डांस नहीं करती है. तो फिर वो उसके इंस्ट्रक्शन फॉलो, अरे भाई जिसकी ईयर ओपनिंग ही नहीं है उसको क्या खाक सुनाई देगा, बेवकूफ बनाते हैं, है ना. तुम तो साइंस के स्टूडेंट्स हो, तुम तो मेरे स्टूडेंट्स हो, तुम तो मेरे बच्चे हो, तुम्हें तो पता होना चाहिए कि ईयर ओपनिंग है ही नहीं. वो जो बीन बजाता है सिर्फ उसको फॉलो करता है, ठीक है. वो जो बीन बजाता है उसको सिर्फ फॉलो कर रहे हैं, करता है वो स्नेक, और वाइब्रेशंस को फॉलो कर सकता है, ठीक है. ईयर ओपनिंग नहीं है, ठीक, स्नेक्स के पास कोई ईयर ओपनिंग नहीं है. फिर सेक्सेस आर सेपरेट, ऑफ कोर्स फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, अंडे देते हैं और डेवलपमेंट डायरेक्ट है. ये हमने देख लिया था कि डेवलपमेंट डायरेक्ट है एव्स में भी, रेप्टाइल्स में भी, मैमल्स में भी, ठीक है. इसके अलावा मैं कुछ और आपको चीजें बताती हूँ. स्नेक्स ना बहुत अच्छे से स्मेल कर सकते हैं, उनकी ऑल्फैक्शन बहुत ही जबरदस्त होती है. उनके पास एक ऑल्फैक्ट्री ऑर्गन होता है जिसे बोलते हैं वोमेरोनेजल ऑर्गन, जिसे बोलते हैं वोमेरोनेजल ऑर्गन या जैकबसन ऑर्गन, या जैकबसन ऑर्गन, जो कि ऑल्फैक्शन के काम में आता है. भगवान ने कुछ कम दिया है तो कुछ ज्यादा भी दे दिया है, ऐसा बोलते हैं ना. ऐसे मेरी मम्मी बोलती थी कि यार कोई बात नहीं, ये चीज कम है ना दूसरी चीज ज्यादा हो जाएगी. इट शुड बी इन अ बैलेंस, लाइफ में हर चीज बैलेंस होनी चाहिए बेटा. किसी भी चीज का अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती है ना. तो एवरीथिंग इन दी लाइफ शुड बी बैलेंस. सो टू बैलेंस देम, ज्ञान की बातों में चली गई मैं, तो इनके पास भी बेटा बैलेंसिंग, आई मीन बैलेंसिंग नहीं, इनके पास भी ऑल्फैक्शन की पावर बड़ी ही तेज होती है. इनके पास होता है वो मेरो नेजल ऑर्गन और जैकबसन ऑर्गन, जो इनकी नेजल कैविटी के रूफ पे लोकेटेड होती है, ठीक है. अब एक और एक्स्ट्रा चीज बताऊं, लिखने की जरूरत नहीं है, बस एक समझ लो एक चीज ना, कि ज्यादातर मेंबर्स जो आपको रेप्टाइल्स में दिखते हैं वो या तो स्नेक्स दिखते हैं या तो लिजर्ड दिखती हैं, है ना. या तो स्नेक्स दिखेंगे या तो लिजर्ड दिखेंगी, तो दोनों का एक कंपैरेटिव लिख सकते हैं. चलो लिख ही लेते हैं ना, एक कंपैरेटिव कर सकते हैं स्नेक्स और लिजर्ड्स के बीच में, कि अगर दोनों को देखोगे तो दोनों में ये लिजर्ड्स हो गई और यहां लिखते हैं अबाउट स्नेक्स, ठीक, यहां लिखते हैं अबाउट स्नेक्स. तो दोनों के बीच में कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं ना जो डिफरेंट दिखती है. अगर आप देखोगे स्नेक का टंग ऐसे निकलता है ना, वो ऐसे ऐसे करके निकलता है, हमेशा निकलता है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. तो इनका जो टंग होता है वो डिवाइडेड होता है, जिसकी वजह से इसे बोलते हैं टंग इज बाइफिड, दो पार्ट्स में डिवाइडेड. लेकिन लिजर्ड्स का जो टंग होता है वो एंटायर होता है, अपन का जैसा है वैसा ही बिल्कुल दिखता है, एंटायर कंप्लीट टंग, ठीक. अब आईलेट्स की अगर बात करें तो लिजर्ड्स की जो आईलेट्स होती है वो मूवेबल होती है, मूव कर सकती है ऐसे, ठीक है. इनकी आईलेट्स मूवेबल होती है, लेकिन अगर डिस्कवरी देखा हो तो इनकी आईलेट्स की बात करोगे तो इनकी आईलेट्स होती है इमूवेबल आईलेट्स, एकदम एक सटीक तरीके से एकदम अपने निशाने की ओर देखता है, ठीक है. ये मैंने कुछ अतिरिक्त बता दिया, बट बहुत ही आसान है ना, तुम्हें पता ही है, क्योंकि बेटा ज्यादातर मेंबर्स लिजर्ड्स और स्नेक्स होते हैं, तो इनके बीच बारे में हमने दो चीजें देख ली और बाकी तो एनसीईआरटी वाली चीजें कर लो, है ना. दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग. यहाँ पे भी बेटा टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स ईयर जस्ट लाइक दी एम्फीबियंस. लिम्स व्हेन प्रेजेंट आर टू पेयर्स, और जब नहीं होंगी तो नहीं होंगी, है ना. जब नहीं होंगी स्नेक्स के पास तो नहीं होंगी. हार्ट इज यूजुअली 3 chambered बट 4 chambered इन क्रोकोडाइल्स. पोइकिलोथर्मस तो होते ही हैं, दे आर पोइकिलोथर्मस क्योंकि कोल्ड ब्लडेड, ठीक. चलो लेट्स लुक एट द एग्जांपल्स. बुफो वॉज टोड, चिलोन इज टर्टल,
टेस्ट्यूडो इज टॉर्टॉइज, इसमें भी कंफ्यूजन होती है कि टर्टल क्या होता है और टॉर्टॉइज क्या होता है। टर्टल के ना ऐसे फ्लिपर्स होते हैं जो पानी में तैरता हुआ दिखता है, चिलोन दैट इज टर्टल, ठीक है, चिलोन इज टर्टल पानी में, उसके फ्लिपर्स ऐसे होते हैं, फ्लिपर्स जैसे होते हैं उनकी, जो ये होती है फिंगर्स, आपको टोज ऐसे फिंगर नहीं दिख रही होती है, फिंगर्स नहीं दिख रही होती है, डिजिट्स नहीं दिख रही होती है। लेकिन अगर टॉर्टॉइस की बात करोगे ना, विच इज टेस्ट्यूडो, तो इसमें डिजिट्स दिखती हैं प्रॉपरली, ठीक है, डिजिट्स दिखते हैं उसमें, फ्लिपर्स दिखते हैं। फिर कैमिलियन, लाइफ में कैमिलियन होते हैं जो रंग बदलते हैं, रंग बदलू लोग होते हैं लाइफ में, है ना, हर वक्त हर दूसरे दिन उनका रंग बदलता रहता है, पता, अरे यार ये क्या बोल रहा है, कल तो कुछ और बोल रहा था, आज कुछ और बोल रहा है, ऐसे लोग जीवन में भी मिलते हैं जो रंग बदलते रहते हैं। कैमिलियन, ट्री लिजर्ड, इनकी टेल देखोगे ऐसे प्रीहेंसाइल होती है, गोल 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 गोल, है ना, रंग बदलते रहते हैं कैमिलियन, ठीक है। चलो कैमिलियन के बाद हम देखेंगे कैलोटीज, कैलोटीज इज गार्डन लिजर्ड, तो कैमिलियन इज ट्री लिजर्ड, कैलोटीज इज गार्डन लिजर्ड, हेमीडेक्टाइलस इज वॉल लिजर्ड, जो कॉमनली आपके घरों में मिलती है हेमीडेक्टाइलस। क्रोकोडाइलस बहुत आसान, क्रोकोडाइल, नाजा नाजा इज कोबरा, एलिगेटर इज एलिगेटर, बिंगारस इज क्रेट, एंड वाइपरा इज वाइपर। अब देखो पॉइजनस स्नेक्स में तीन एग्जाम्पल दिया है, नाजा विच इज कोबरा, बंगारस विच इज क्रेट, एंड वाइपरा मीन्स वाइपर, ये सारे पॉइजनस है। नॉन पॉइजनस का एग्जाम्पल क्यों नहीं दिया यार, नॉन पॉइजनस में पाइथन, पाइथन लिख लो विच इज नॉन पॉइजनस, पाइथन इज नॉन पॉइजनस, पाइथन इज नॉन पॉइजनस, ठीक। रेप्टाइल्स क्लियर, चलो ज्यादातर कैरेक्टर्स तो बेटा हम उस टेबल में ही कर चुके हैं, है ना, उस टेबल में ही कर चुके हैं, ये तो हम वापस से पढ़ रहे हैं। ये क्या बनाया हमने अपना नेशनल बर्ड, नेशनल बर्ड इज मोर मींस पीकॉक, मींस पीकॉक का नाम होता है पैवो, क्या बोलते हैं पैवो। तोता का क्या नाम होता है सीटाक्यूला, कौवे का क्या नाम होता है कॉर्वस, ठीक है, ऐसे बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं, एग्जांपल्स हम देख लेंगे, ठीक है, कॉमन वर्ड्स का। अब देखो इसका फर्स्ट पॉइंट, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एव्स और बर्ड्स आर द प्रेजेंस ऑफ फेदर्स, ऑब्वियसली इनके पास एक्सोस्केलेटन थी और वो बहुत सुंदर सुंदर पंख थे इनके पास, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड, एक फ्लाइटलेस बर्ड का दिया हुआ है नाम ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच सबको पता है बहुत ही बड़ी बर्ड, फ्लाइटलेस बर्ड, ठीक है। दे पजेस बीक, यस इनके पास बीक होती है, और बेटा जो मॉडर्न, एक्चुअली पहले पढ़ाते थे ऐसे ओल्ड बर्ड्स और मॉडर्न बर्ड्स, मॉडर्न बर्ड्स के पास बीक में टीथ नहीं होती है ना, और तुम्हें पता है कनेक्टिंग लिंक, एक कनेक्टिंग लिंक पता है रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच में, एक कनेक्टिंग लिंक पता है रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच में, पढ़ा होगा सुना होगा, आर्कियोप्टेरिक्स, आर्कियोप्टेरिक्स इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, किसके किसके बीच में कनेक्टिंग लिंक है, बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, ठीक। चलो इनके पास बीक होती है, इनके पास फेदर्स होते हैं, पंख जो होते हैं ये होते हैं मॉडिफाइड फोर लिम्स, फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, एंड हाइंड लिम्स हैव स्केल्स एंड आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग और क्लास्पिंग द ट्री ब्रांचेस, अलग अलग कामों के लिए अलग अलग तरीके से मॉडिफाई हो जाती है। सवाल बनता है कि कौन से लिम्स मॉडिफाइड होती है इंटू विंग्स, सो दोज आर फोर लिम्स। स्किन बिल्कुल ड्राई होती है, ग्लैंड्स नहीं होते, हमारी स्किन की बात करोगे कितने सारे ग्लैंड्स है, स्वेट ग्लैंड, सूडोरिफिक ग्लैंड्स, विच इज स्वेट ग्लैंड्स का दूसरा नाम, सूडोरिफिक ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स होती है, सेबेशियस ग्लैंड्स होती है, इतने सारे टाइप्स के ग्लैंड है हमारे पास, मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इनके पास ग्लैंड्स नहीं होती एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड को और क्या बोलते हैं प्रीन ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड को और क्या बोलते हैं प्रीन ग्लैंड, एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड या प्रीन ग्लैंड जो कि इनके टेल के नीचे होता है, जिसके सिक्रीशन से सारी फेदर्स, आपने कभी सोचा है उसकी फेदर्स इतनी शाइन कैसे करती हैं, फेदर्स इतनी शाइन करती है क्योंकि उसके ऊपर सिक्रीशन होता है ऑयल का, ठीक, तो उस ऑयल का सिक्रीशन करती है ये ऑयल ग्लैंड और प्रीन ग्लैंड विच इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द टेल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंडोस्केलेटन इज फुल्ली ऑसिफाइड, बोनी एंडोस्केलेटन है, एंड दी लॉन्ग बोन्स आर हॉलो विद एयर कैविटीज, अरे भाई उड़ती हैं तो इनके पास उड़ने के लिए इनका बॉडी वेट बहुत लाइट होता है क्योंकि इनके लॉन्ग लॉन्ग बोन्स जिन्हें बोलते हैं न्यूमैटिक बोन्स,
क्यों बोलते हैं न्यूमैटिक बोन्स? क्योंकि उनमें बोन मैरो नहीं होता, तो इनकी लॉन्ग बोन्स होती हैं, हॉलो, जो इनके बॉडी वेट को लाइट कर देती है बेटा, और ये उड़ पाती हैं। इनफैक्ट फीमेल्स में सिर्फ एक ओवरी प्रेजेंट होती है। आपको पता है बहुत सारी चीजें इनके पास ऐसी हैं बेटा जो इनके बॉडी वेट को रिड्यूस करने के काम में आती हैं। ठीक, चलो, एयर कैविटीज जिसे न्यूमैटिक बोन्स बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट वाली लाइन से तो सवाल भी आया था नीट में कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ द बर्ड्स हैज एडिशनल चेंबर्स क्रॉप एंड गिजर्ड। ये कॉकरोच में भी पढ़ते हो, बट इनके पास भी डाइजेस्टिव सिस्टम में एडिशनल चेंबर्स होते हैं क्रॉप एंड गिजर्ड। हार्ट के बारे में हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि फोर चेंबर्ड होती है, डबल सर्कुलेशन, वार्म ब्लडेड होती है, होमियोथर्मल, ये भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं मेरे बच्चों। अगर आपको इसमें से दिख नहीं रहा हो ना क्लियरली, तो आप अपनी एनसीईआरटी से भी रीड कर सकते हैं। मैंने एग्जैक्टली एनसीईआरटी का कॉपी पेस्ट लगाया है, आई एम श्योर दिख रहा होगा, बट इनकेस अगर नहीं दिख रहा तो अपनी एनसीईआरटी खोल के उसमें भी मार्किंग कर सकते हो। They are able to maintain their constant body temperature. Of course, इसीलिए homeothermal बोला। Respiration सबसे efficient. क्यों? Because air sacs are connected to the lungs for supplementing the respiration. But remember my words that air sacs कभी भी exchange में participate नहीं करती। पार्टिसिपेट जो चीज करती है वो होती है हमेशा एल्वियोलाई। हमारे पास भी है, इनके पास भी है, हाईली वैस्कुलर स्ट्रक्चर जिससे कि एक्सचेंज होता है। एयर सैक से कभी एक्सचेंज नहीं होगा, क्रॉस फॉर एक्सचेंज, क्योंकि इनके पास कोई ब्लड सप्लाई होती ही नहीं है। एयर सैक से नो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, देयर इज नो ब्लड सप्लाई, ओनली फैसिलिटेट्स supplements the respiration, hence birds have the most efficient respiratory system. ठीक, sexes are separate, fertilization is internal of course, and development is direct. अंडे देती है तो oviparous, सारे points लिख चुके हैं हम उस वाली table में। फिर करते हैं बेटा examples, which is again a very important part. Corvus is crow, लिखा है कहीं? Yes, पहला ही लिखा है, Corvus is crow. Columba is pigeon. सीताक्यूला मैंने आपको बताया अभी, पैरेट। श्रुथियो इज ऑस्ट्रिच, एनसीईआरटी वाला तो करना ही है। पैवो इज पीकॉक, एप्टिनोडाइटिस इज पेंगुइन, एंड नियोफ्रॉन इज वल्चर। देखो आंखें बंद करके फिर से स्टार्ट करो, कोलंबा पिजन, पैवो पैरेट, कॉर्वस कौआ, ठीक है, मैंने कॉर्वस कौवा बोला। अरे मैंने पिछले वाले में मैंने तुम्हें शायद पैवो मींस पीकॉक नॉट पैरट, ठीक है, पैवो मींस पीकॉक, सीटाक्यूला मींस पैरट, कॉर्वस मींस क्रो, कौवा बोल दिया मैंने, कॉर्वस मींस क्रो, ठीक, नियोफ्रॉन मींस वल्चर, श्रुथियो मींस ऑस्ट्रिच, एक्टिनोडाइटिस मींस पेंगुइन, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी वाले एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक, चलो बहुत अच्छी बात है। अब नेक्स्ट हम कवर करते हैं मैमल्स के बारे में। ये दिख रहा है आपको बैट्स, ये दिख रहा है आपको कंगारू, ये होते हैं मैमल्स। अपनी भी फोटो यहाँ चिपका सकते हो, अपन भी है मैमल्स, ठीक है, द मोस्ट एडवांस्ड मैमल्स। अब मैमल्स का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर देखो, दो चीजें तो नाम से, एक तो नाम से समझ में आता है ना, मैमरी ग्लैंड्स। इट्स नॉट नेसेसरी बेटा दैट जब इसकी क्लासिफिकेशन फर्दर करते हो ना, प्रोटोथीरिया, यूथीरिया, मेटाथीरिया, जो हमें नहीं करनी है, हम किसी की भी क्लासेस नहीं कर रहे हैं, जो नीट में आता ही नहीं है, वो कैटेगरीज क्यों बनाना है ना। तो दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है इनकी। इनके पास एक सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मैमल्स का, प्रेजेंस ऑफ हेयर ऑल ओवर दी बॉडी, प्रेजेंस ऑफ हेयर। और जैसे जैसे अपन का इवोल्यूशन हुआ बेटा, देखोगे ना, इवोल्यूशन में पढ़ते हो ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, उसको याद करने का एक बहुत अच्छा ट्रिक है, जब हम इवोल्यूशन पढ़ेंगे तो बताऊंगी, डॉक्टर राम ऑस्ट्रेलिया से हेंस लाए। अभी तो कुछ लॉजिक समझ में ही नहीं आएगा इसका, ये सीक्वेंस है ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, बहुत सारे जो भी नाम है इन सीक्वेंस। तो बड़े सारे हेयर होते थे पहले, हम बड़े हेयर ही होते थे, धीरे धीरे थोड़े रिड्यूस हो गए, बट प्रेजेंस ऑफ हेयर इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स। एंड दिस ईयर पिन्ना सब लिखा है इसमें, ठीक है। हमारे पास लिम्स होते हैं जो मॉडिफाई हो जाते हैं स्विमिंग के लिए, वेल्स के पास होता है उड़ने के लिए, बैट्स के पास होता है, फोर लिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स इन बैट्स व्हिच इज अ मैमल, मॉडिफाइड इनटू फ्लिपर्स स्विमिंग के लिए, है ना। और इसके अलावा आपको दिखता है क्या, रनिंग के लिए बहुत फास्ट रन कर सकती है चीता विद द हेल्प ऑफ दीज। तो अलग अलग कामों के लिए मॉडिफाइड है, ऑब्वियसली पेयर्ड लिम्स होंगे, क्योंकि ये क्या होते हैं बेटा,
और टेट्रापोडा, क्योंकि ये टेट्रापोडा है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे मस्कुलर डायफ्राम है हमारे पास, और डायफ्राम की स्पेशलिटी आपको पता है किसमें हेल्प करता है, ब्रीदिंग में, रेस्पिरेशन में डायफ्राम हेल्प करता है, ठीक है। चलो अब एनसीईआरटी वाले पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। दे लिव इन अ वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स, पोलराइज, बहुत ठंडे एरिया में, गर्म एरिया में, डेजर्ट्स में, माउंटेन्स में, फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड्स में, डार्क केव्स में, हर जगह मिलते हैं मैमल्स। केव्स में मिल जाएंगे, ग्रासलैंड में मिल जाएंगे, पोलर रीजन में मिल जाएंगे, डेजर्ट्स में मिल जाएंगे, माउंटेन्स में मिल जाएंगे, हर जगह मिलते हैं आपको मैमल्स। द मोस्ट यूनिक, यार मोस्ट यूनिक क्यों लगा दिया, यूनिक, द यूनिक मैमिलियन कैरेक्टर इज द प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग मैमरी ग्लैंड्स बाय विच द यंग वंस आर नरिश्ड। तुम्हें याद है फर्स्ट मिल्क को क्या बोलते हैं, इससे नीट में सवाल आता है, ठीक है। फर्स्ट मिल्क को पढ़ोगे आगे, कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं, बहुत इम्यूनिटी देता है वो, एंटीबॉडीज होती है उसके पास। एनीवे, तो मैमरी ग्लैंड्स हो गई, presence of hair यहाँ पे लिखा हुआ है ना। अच्छा चलो, they possess two pair of limbs adapted for walking, अपन करते हैं running, चीता बहुत fast run करता है, climbing, burrowing, swimming और flying, four limbs modified हो जाते हैं अलग अलग functions के लिए। skin of the mammals is unique in possessing the hair, स्किन यूनिक कैसे होती है, क्योंकि उसके पास होते हैं हेयर। एक्सटर्नल ईयर और पिन्ना आर प्रेजेंट, ऐसे कान दिख रहे हैं ना, ये देखो छोटू सा कान, ये छोटू सा कान और ये वाले कान हमारा फीचर है। बाकी में तो आपने क्या पढ़ा, टिम्पैनम रिप्रेजेंट एक्सटर्नल ईयर, ठीक है। चलो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, ये डाइजेशन में पढ़ते हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, प्रीमोलर्स, मोलर्स, केनाइन, है ना, इनसीजर्स, हेट्रोडॉन्ट होते हैं, हेट्रोडॉन्ट डेंटेशन होता है ना। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन दी जॉज, और एकदम फिक्स होते हैं, है ना, कुछ भी तोड़ लो दांत वहीं पे फिक्स रहते हैं, थीकोडॉन्ट होते हैं। क्रोकोडाइल्स में भी थीकोडॉन्ट होता है, थीकोडॉन्ट ये डाइजेशन में पड़ा होगा। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ है हमारे पास। हमारा हार्ट हो गया बेटा फोर चेम्बर्ड हार्ट, हार्ट हमारे फोर चेम्बर, डबल सर्कुलेशन, बॉडी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करती है, होमियोथर्मल, रेस्पिरेशन के लिए लंग्स है भैया, लिख चुके हैं हम, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, यूनिसेक्सुअल ये भी लिख चुके हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है ये भी लिख चुके हैं, वीवी पैरस होती है विद फ्यू एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या है, ऑर्निथोरिंकस, ये एनसीईआरटी में गिवन है, डक, बिल्ड, प्लैटिपस, सारे वीवी पैरस नहीं होते, याद रखो, स्टेटमेंट आती है आपके क्वेश्चंस में। All mammals are not viviparous. There are some mammals which are oviparous, egg-laying, like the one given in NCRT. Duck, billed platypus or ornithorhynchus. ठीक? Development, of course, direct development. Development, of course, direct development. अब देखो, देखो देखो यार, oviparous दिया ही हुआ है सबसे first. Ornithorhynchus. जिसका क्या नाम है? Platypus. बाकी सारे viviparous. देखो, मैं कुछ viviparous जो मुझे याद है बता रही हूँ, फिर इसमें से देखते हैं. Macropus बनाया हुआ है kangaroo. Pteropus, which is flying fox. Panthera leo is lion. Panthera tigris is tiger. Balaenoptera is blue whale. Balaenoptera is blue whale. Then you have felis. Felis is cat. Then you have canis. Canis is dog. Then you have equus. Equus is horse. Then you have elephus, which is elephant. Then you have macaca, which is monkey. अरे भाई, मुझे तो सारे नाम याद है भाई, आपको याद करने हैं, ठीक है। तो मैंने एनसीईआरटी का एग्जैक्ट टेबल बनाया हुआ है, देखो, मैक्रोपस कंगारू, टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स, ये तो नाम से ही आ जाएगा, कैमिलियस कैमल, मकाका, ये मुझे बहुत अच्छा नाम लगता है, मकाका मकाका मंकी, ठीक है। रैटस नाम से ही समझ में आ रहा है, रैट, कैनिस डॉग, फेलिस कैट, इन दोनों के नाम को उल्टा मत करना, कैनिस और फेलिस। एलिफस इज एलिफेंट, बैलिनोटेरा इज ब्लू व्हेल, डेल्फिनस इज डेल्फिन, नाम से ही समझ में आ रहा है, इक्वस इज हॉर्स, पैंथरा टाइग्रेस इज टाइगर, पैंथरा लियो इज लायन। तो आई एम श्योर एनसीईआरटी वाली रीडिंग बहुत अच्छी लगी होगी तुम्हें यार, आई एम प्रीटी श्योर, डू लेट मी नो, ठीक है, कि ये रीडिंग तुम्हें अच्छी लगी कि नहीं। बाकी तो टेबल करो यार, टेबल में 14 कैरेक्टर्स कर लिए हैं, इतनी इंपॉर्टेंट, इतने सारे कैरेक्टर्स। अब देखो एक जबरदस्त चीज, ये दिख रहा है, यही बोला था तुम्हें लास्ट में करने के लिए, अंत में ना एग्जाम्पल्स को छोड़ के ना
बाकी देखो ये वाला करना कितना जरूरी, ये मैंने इसीलिए बनाया तुम्हें ये दिखा सकूं कि सारे फाइलम्स को हमने एक साथ में कर दिया, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पॉरीफेरा सीलेंट्रेटा टीनोफोरा प्लैटी हेलमेंथे सब टू कॉर्डेटा। ये वाली टेबल बनाने का सिग्निफिकेंस बेटा ये कि ये वाली टेबल जरूर करना, यहीं से तो मैंने तुम्हें बताया है। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देखो अब यहां से क्वेश्चन बनते हैं, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम रेस्पिरेटरी सिस्टम वाज सीन इन आर्थ्रोपोड्स। यहां देखो आर्थ्रोपोड देखो एनेलिडा तक चेक करते हैं, एनेलिडा तक चेक करते हैं, रेस्पिरेटरी दिया हुआ है, एब्सेंट 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 सबसे पहले दिख रहा है इन दी आर्थ्रोपोड। सर्कुलेटरी सिस्टम सबसे पहले दिख रहा है एनेलिडा में। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करोगे तो देखो पॉरीफेरा में तो था ही नहीं, सीलेंट्रेटा टीनोफोरा एंड प्लैटी हेलमेंथेस ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान थे तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, बाकी सब में ट्यूब विद इन ट्यूब था तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका सिग्निफिकेंस समझ आ रहा है कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है ये टेबल बेटा। देखो एक एक वर्ड्स में सब कवर हो जाता है और मैंने तो कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स भी बताए, वो भी आप एडिशनली ऐड कर सकते हो साथ में, तो ये टेबल जरूर करना बेटा। ये सारे कैरेक्टर्स पढ़ चुके हैं इसे मैं दोबारा समझाऊं कोई मतलब नहीं है, आप वापस से मैं ये बनाया मैंने इसीलिए कि इस टेबल को जरूर देखना, इस टेबल को जरूर देखना ठीक है। और देखो यही पे मैंने बताया था ना कि प्लैटी में दोनों दिया हुआ है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम है ना, लेकिन थ्योरी में क्या दिया हुआ है ऑर्गन, उसी को ज्यादा इंपॉर्टेंट मानोगे और मार्क करोगे। अब ये मेरे हैंड रिटन कुछ नोट्स मैं ऐड करना भूल गई थी, तो चलो हम खुद ही सॉल्व करते हैं बेटा क्वेश्चंस ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आइडेंटिफाई द वर्टिब्रेट ग्रुप, किसे आइडेंटिफाई करना है वर्टिब्रेट ग्रुप That is characterized by crop and gizzard. अभी बताया था देखो नीट में आया हुआ है, कौन से नीट का सवाल है, नीट 2018 का क्वेश्चन है, किसके पास क्रॉप और गिजर्ड एडिशनली होती है, अभी पढ़ा था बेटा बर्ड्स में, एम्फीबियंस रेप्टिलिया एव्स और ऑस्टेक्थेस। द राइट आंसर इज बर्ड्स एव्स ठीक। चलो दो सेकंड का टाइम दूंगी तुम्हें सोचने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट होमियोथर्मल, कौन सा वार्म ब्लडेड नहीं है, कौन सा होमियोथर्मल नहीं है, खुद सोचो यार दो मिनट, देन आई विल गिव यू द आंसर। ऑप्शंस क्या हैं, मैक्रोपस, मैक्रोपस मतलब किंगारू, चिलोन, चिलोन मतलब टर्टल, सीताक्यूला, सीताक्यूला मतलब पैरेट, कैमिलियस मतलब कैमल, कैमल इज अ मैमल, वाओ व्हाट अ राइम, कैमल इज अ मैमल, सीताक्यूला इज अ बर्ड, मैक्रोपस इज अ किंगारू। मैक्रोपस बिलोंग्स टू, कॉन्स्टेंटली मुझे नोटिफिकेशन आ रही है इसीलिए देख रही हूं मैं ठीक है। मैक्रोपस इज कंगारू, चिलोन इज टर्टल, तो दिस इज अ रेप्टाइल, सो द करेक्ट आंसर इज रेप्टाइल बिकॉज दिस इज अ मैमल, दिस इज अ बर्ड, दिस इज अ मैमल, दे आर वार्म ब्लडेड ठीक है, तो कौन सा होमियोथर्मल नहीं है। नेक्स्ट, अ जॉलेस वर्टिब्रेट, अ जॉलेस यार ये तो पिछली क्लास में पढ़ा था याद है आपको, अ जॉलेस वर्टिब्रेट विच ले एग इन फ्रेश वाटर, स्पॉनिंग करती है फ्रेश वाटर में, जिसके लार्वा को एमोसिटीज लार्वा बोलते हैं, और मेटामॉर्फोसिस के बाद में वो वापस से ओशन में आ जाती है। आंसर क्या है, आंसर क्या है, आंसर क्या है, इसे कॉमेंट सेक्शन में बताना ठीक है। तो यार पर कॉमेंट सेक्शन में बताओगे फिर मैं अगली क्लास में, मैं ही बता देती हूँ, थोड़ा सोच लो, थोड़ा सोच लो, पेट्रोमाइजिन, मिक्सिन, एप्टेटेरियस या नियोमिक्सिन, जुबान लड़खड़ा रही है, मैंने इतनी एनर्जी के साथ में बोला है कि मेरी जुबान लड़खड़ा रही है ठीक है। तो जॉलेस वर्टिब्रेट जिसका एमोसिटीज लार्वा होता है बेटा दैट इज पेट्रोमाइजिन, एनाड्रोमस माइग्रेशन शो करती है ठीक है। तो हियर वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड, सक्सेसफुली कंप्लीटेड द एंटायर एनिमल किंगडम मेरे बच्चों। प्लीज मेक श्योर कि एनसीईआरटी से तो पढ़ ही रहे हो, नोट से पढ़ो, एनसीईआरटी से पढ़ो, एंड in the next class we'll be back with a new topic, anything that is left for you we are going to cover that, keep smiling everyone, keep working hard, bahut positively kaam karna hai, baki to aapki ma'am hai, darne wali koi baat nahi hai, we are going to be back beta again with a new chapter, till then everyone keep smiling, bye bye, padhai karte rahe, all the very best।